नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और हम इस समय है गाजीपुर में। और आपको बता दें कि माँ गंगा का जलस्तर इतना तेजी से बढ़ रहा है गाजीपुर में। और आप देख रहे हैं तस्वीर, इस समय हम हैं गाजीपुर के जमनिया क्षेत्र के गढ़ा छानबेर गांव में। और आप देख लीजिए, उधर हो चाहे इधर भी जो भी है, लोग कैसे आ रहे हैं घुटने भर पानी में, किस प्रकार से लोग आ रहे हैं। और माँ गंगा के विकराल रूप से पूरा गाजीपुर कैसे डूब रहा है। उधर विद्यालय जो अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, देखिए उधर नाव से लोग कैसे आ करके, नाव से आ रहे हैं लोग आ करके, सरकार से जो भी मदद मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, हम पूछेंगे बाबा से कि कैसी क्या स्थिति है, आप लोग बाढ़ में कैसे रहते हैं, कुछ जानकारी लेंगे। बाबा हाँ बताइए, आपको क्या नाम बा? हमारे श्री किशुन नाम बा। श्री कुसुन? हाँ। अच्छा, ये कौन गांव पड़ी? वैकुंठपुर मानपुर पड़ी। अच्छा, हाईकुल कौन गांव है? तो घाटमपुर है। ये घाटमपुर है जो नैया चलती है? हाँ, ये तीनों गांव एक सभा गढ़ा छानबेर। अच्छा, गढ़ा कौन कौन गांव सभा? गढ़ा छानबेर। गढ़ा छानबेर है। हाँ। तो का ऐसा का पूरा बाढ़ से एकदम पूरा तो होगा का? चारों तरफ से घेर कर सब परेशान बाटे गाँव से, घर में पानी का ही कहीं। कहाँ आप लोग जा फिर? जाते हैं, भूसा मिल रहा है तो घर घर में बटे। आई आई बताए बताए, क्या नाम आपका? बाल कुमारी। अच्छा, कहाँ जाते हैं? जाता नहीं, गोरुन के कहाँ तो भूसा मिला था लिया। अच्छा, कैसन भूसा के बात आता है? पशु के हमने का प्रधान बटवाओ था। अच्छा, प्रधान ना बटवाओ? विधायक के बटवाओ, मगर हमने के प्रधान ही ना बटवाओ, सहारा बना। विधायक यहाँ के सुनीता सिंह? नहीं नहीं, संगीत बीरेंद्र। अच्छा, बीरेंद्र बीरेंद्र आ लोला। हां, बीरेंद्र आके मतलब हमने के देखा बेचारी के और के देखे बीरेंद्र बीरेंद्र। अच्छा, बीरेंद्र आ लो। हां, और ये केहू ना आ लो? ना केहू नहीं थे आई, हमने के केहू कुछ नहीं के दे ले। अच्छा, केहू ना कुछ दे ले? ना, सरकार की तरफ से कोनो मदद नहीं है? कुछ नहीं खाया हमने। आज भूसा खाती मिला था, भूसा आज तो सोचना भैया कि तोरा लोग का पशु के 20-20 किलो भूसा मिला था, तब जाते हैं देखें जे मिली कि ना मिली। अच्छा, अब विधायक जी आलन तक का कहना है? कुछ ना विधायक जी कन्हैया भेजवा ना, विधायक को जी कुछ नहीं कहना। आवे आवे आवे, खाली हरि आवे तुम आवे। हां, देखिए भैया, ये लोग भी आ रहे हैं नाव पे बेचारे, और इनकी दशा। और अब तक यहाँ पर सिर्फ यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक बीरेंद्र यादव जी हैं, शायद वो बता रहे हैं लोग कि वो आए थे यहाँ पर। अभी ये लोग जा रहे हैं सरकार से कुछ मदद के लिए। भूसा वहाँ पर शायद कुछ बट रहा है क्या है, उनकी भी हम लोग पीड़ा जानना चाहेंगे, कैसे इस माँ गंगा के विकराल रूप से किस प्रकार भीषण इस समय गाजीपुर बाढ़ की पूरा चपेट में है, और कैसे लोग मिलेंगे उन लोगों से। हम इन लोगों से भी कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। धनिया बड़ा बता चली पानिया में। अच्छा, गहरा है? हाथिया पर लगोता जी बनी चाहा। चलिए ठीक है, देखिए ये चाची बता रही हैं कि भैया आप आगे मत जाइए। हाँ, नहीं तो मतलब इसमें आप भी डूब सकते हैं, और थोड़ा जानकारी लेंगे। देखिए चाची, आप बताइए आपका नाम? कहाँ जाते रहे? कौन दिक्कत परेशानी का होता? हुआ महीना आ लल जाते, फिर विधायक जी आ लल, कुछ मदद उदत दल कुछ आ जाए। चाचा आ जाए, आप लोग आ जाए। देखिए इन लोगों से, प्रधान जी के पिताजी हैं, बस कर ढेरा। आ जाइए चाचा, आ जाइए आपो, आ जाइए। यहाँ देखिए आप बचा के उतरिया, आराम से कनी हरिया नहीं है, कितने लाना चलाई बा। अरे चोर का हो बताइए ना, देखो गिरा मत पकड़, का करे छे कोतन का करे हम भी बतियावा। देखिए कैसे कैसे आपका नंबर ये भार, कैसे लोग रहते हो यहाँ, का क्या दिक्कत? बहुत कष्ट में, बहुत कष्ट में। कौनो मदद उधर कुछ नहीं, कौनो मदद सरकार की तरफ से ना भेजिए? भूसा मिलल बा, बस खाली भूसा, राशन पानी कुछ ना मिला, कुछ ना। अरे कल महाराजे जी सुनने की आल लगा है, आवाज लोगों दे आ जा, तो लोगों कहाँ चल गया? अमीर का बच्चा बन जाए, इधर हम आते हैं, इधर अरे अच्छा नरमाइल होते हैं, नरमाइल होते हैं। फोटो ला भैया, भैया फोटो लाई का फोटो लाई बोला है, किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी तो आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? कुछ नहीं मिला है, सिर्फ भूसा है,
सिर्फ भूसा आया है, राशन पता ही कुछ भी नहीं मिल रहा है। प्रधान जी के बाबू हैं। अच्छा, प्रधान जी के पिताजी हैं। प्रधान जी मदद नहीं कर रहे हैं कुछ? प्रधान जी मदद किए हैं, ये लोग तो बता रहे हैं कि विधायक जी मदद किए हैं। प्रधान जी कहा तो है? चलिए ठीक है, मान लीजिए दादा जो भी है इनकी भी पीड़ा है दोस्तों, और आप हकीकत देख रहे हैं। चाचा है, खान से भी हम कुछ जानकारी। चाचा आप बताइए, क्या आपका नाम था? नारायण चौधरी। हाँ, क्या समस्या है चाचा, ये बताइए। बहुत बाढ़ में समस्या ना, जानवर का बा, आदमी का बा, बच्चन का बा। राशन बताइए, एक चुटकी नहीं खेल मिला। हाँ, सब भूखे मरा था। बाढ़ पीड़ित में बने जाते परेशान, घर में रह व्यवस्था ना कुछ बना, व्यवस्था गवर्नमेंट से कोनो व्यवस्था ना। चलिए भैया, गवर्नमेंट से अभी तक इस गांव में, ये कौन गांव है? बैकुंठपुर गढ़ा 96 ग्राम सभा है, और यहां पर अभी सरकार के तरफ से कुछ मदद नहीं हुआ है। ये लोग जैसे भी है अपने से जो भी है व्यवस्था कर रहे हैं। दोस्तों अभी हम उस जगह पर आ गए हैं जहां पर मदद, हालांकि सरकार के तरफ से अभी यहां पर इस गढ़ा 96 गांव में कुछ भी मदद नहीं हुआ है। क्षेत्रीय विधायक इन लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र यादव जो हैं अभी यहां पर, देखिए अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि भूसा वितरण का कार्य पशुओं के लिए आज जिस प्रकार से जो माहौल है और बाढ़ की स्थिति से सबसे बद से बदतर स्थिति उन पशुओं की है, जानवरों के लिए है, उनको रहने खाने के लिए है। इसलिए क्षेत्रीय विधायक ने यहाँ पर भूसा वितरण का कार्यक्रम रखा है। कुछ चर्चा से हम जानकारी लेंगे। क्या नाम आपका? अच्छा, ये बताइए बिल्कुल जो भूसा उसका बताया था बाहर, तो पूरा देखा थी, पूरा गवर्नमेंट बुक लगता है पूरा गाँव पूरा तकले कुछ चारा आया, आदमी के इतना परेशानी हुए कि वो घर से लाइटिंग भी नहीं निकल पाते थे। विधायक जी ने क्या नाम है कि नाव का बंदोबस्त किया था, और क्या नाम है कि तीनों गांव के लिए, घाटमपुर मानपुर बैकुंठपुर के लिए, ये मौजा ये गढ़ा 96 रहे हैं वो घाटमपुर में। और क्या नाम है कि जो उनके असर पर जितनी उनकी शक्ति थी उन्होंने उतना भूसा यहाँ पर दिलवा कर और जितना चला कुछ तो दिए थे। अरे कल सुनिए कि महाराज जी भी आए थे यहाँ पर, महाराज जी यहाँ के मुख्यमंत्री जो है, यहाँ कोई नहीं आया था, यहाँ कोई नहीं आया, तो मतलब इसे मदद वदद के बारे में कुछ पूछ नहीं है। दादी आप बताइए, क्या नाम है आपका? बसंती। क्या दिक्कत हो रही है बाढ़ की वजह से? क्या बात है? क्या बात है? हम छाके ताके ना, नहीं नहीं बस विधायक जी आला विधायक जी जिला अधिकारी से नेपाल नहीं नहीं अच्छा मतलब क्या बोले हो बताइए। अब दोहरा का प्रॉब्लम आएगा क्या? पता नहीं, अब कुछ नहीं भेज रहे हैं पूरा। ये तो गांव मैं देख रहा हूँ, मैं भी जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जा नहीं पाया पूरा। देखिए दोस्तों, इस समय जो मैं आपको बता दूं हकीकत यही है, जिला प्रशासन चाहे सरकार ने सिर्फ पोथी दिया है, और ऐसे कुछ भी लोग यहाँ पर हैं। बाबा एक और हैं, इनसे भी मैं जानकारी लूंगा जिस प्रकार से इन लोगों की स्थिति बाढ़ की वजह से हुई है। अभी इनकी कोई सुधि नहीं लेने के लिए आया है, सिर्फ एक क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र यादव जो आकर के भूसा वितरण करने का कार्यक्रम किए हैं। और बाबा बताइए क्या दिक्कत
बोले कि हमके बहुत तकलीफ बा। हम आपको बहुत तकलीफ बा। छठी मैदान से भी तकलीफ है। हां हां पैसा के भी है। तो मैदान सब चीज इस दैविक आपदा में इन लोगों की सब चीज की समस्या दिक्कत प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों घर में भी पानी है। हर दुख क्या है इन लोगों का, लेकिन अब तक इनकी कोई सुधि लेने वाला नहीं है। कोई सुनवाई नहीं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों, राजा मुद्दा आपका धन्यवाद।